ये देखिए भाई साहब ये, और इसमें से सुगंध आ रही है भाई साहब बहुत ज़्यादा, कहेंगे स्माइल तो मछली की आती है ना सूखी वाली। ये देखिए भाई साहब यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये क्या चीज़ है? चापड़ा, चीटी, चीटी है ना, कितने का एक? 10 का। इसकी सब्जी बनती है? अच्छा चटनी बनती है। ये देखिए भाई साहब ये चीटी है, जो एक कितने का है? क्या है ये महुआ, क्या भाव दे रहे हो? 40 रुपया, 40 रुपये का किलो। क्या काम आता है ये? दारू बनाने के। अच्छा दारू बनाने के। ये देखिए भाई साहब ये है महुआ, कितने का है भैया? 20 का। 20 के दो। मछली मार्केट है यहाँ पर, मिल रही है मछलियाँ इस प्रकार से कटिंग होके। गाइज मैं मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मार्केट देख रहा हूँ जिसके अंदर मतलब इतना, ये जो भिंडी क्या भाव दे रहे हो अंकल जी? भिंडी? अच्छा मैं तो राजस्थान से आया यहाँ भिंडी देखने के लिए। देखने के लिए? हाँ फिर इतना महंगा दे रहे हो मेरे को? महंगा नहीं है, सस्ता है। सस्ता है क्या? अच्छा यहाँ पर ये सब ऐसा ऐसा मिलता है देखो, सूखा सूखा माल इधर यही मिलता है ज़्यादा। गाइस आगे की तरफ देखते हैं मार्केट को। ओ भाई साहब ये देखो यहाँ पर आप पूरी ये मांस मछली ऐसे ही मिल रही है। ये देखिए क्या है, महुआ है सेल्फी महुआ। और इधर है ये लहसुन, आप देख सकते हैं लहसुन और अदरक। लहसुन क्या भाव दे रहे हैं माता जी? हेलो एवरीवन, नमस्ते, सलाम, कैम छो आबाद, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अभी मैं हूँ बस्तर क्षेत्र के अंदर और यहाँ पर है देवड़ा बाजार। आज के दिन यहाँ पे बाजार लगता है। आज है क्या बार है, शायद शनिवार होगा, शनिवार को यहाँ पे बाजार लगता है। तो आज मैं आपको ये बाज़ार विजिट कराने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए। इन आदिवासी हाट बाज़ारों के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं, सब्जियाँ मिलती हैं और जो मांस मछली होती है वो भी मिलती हैं, और मतलब जो क्या बोलते हैं शराब होती है वो भी मिलती है। मतलब आदिवासी जो अपने घर पर बनाते हैं शराब, जंगलों के अंदर बनाते हैं, जैसे सुल्पी है, वो क्या बोलते हैं मंदा और क्या महुआ करके, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह की, और ख़ास करके फूल फ्रूट और बर्तन वगैरह ऑल इज वेल सामान मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे और मार्केट को विजिट करते हैं हम लोग और आपको दिखाते हैं क्या क्या भाव है इस मार्केट के अंदर। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे मिल रही हैं सब्जियाँ, और जैसे ये तो अभी मेन रोड है तो इस रोड पर, और आगे पूरा इधर देखिए आप पूरा मार्केट लगा हुआ है। तो हम लोग चलेंगे अभी अंदर और सभी चीज़ें कवर करेंगे एक एक दुकान को। ये देखिए अलग अलग तरह की जो सब्जियाँ हैं, जो आपने कहीं ना कहीं देखी नहीं होगी या देखी भी होगी तो इस हिसाब से मार्केट के अंदर नहीं देखी होगी। तो हम लोग ऐसी चीज़ें विजिट करने। राम राम जी, क्या बेच रहे हो, क्या है ये? अच्छा क्या भाव दे रहे हो? 20। और ये 10 का। और ये क्या है ये? अच्छा ये देखिए भाई साहब इस प्रकार से ये भाव होते हैं, ये है 20 का और ये 10 का और ये 10 का। ये चीज़ें कहाँ से लाए हो, ये आप घर से ही लेकर आए हो? तालाब में। अच्छा ये भाई साहब पता नहीं क्या चीज़ क्या है ये, मतलब कमल का है क्या? ये देखिए इसके ऊपर कमल का फूल होता है ना, तो फूल तो निकाल दिया है और अभी ये मतलब इसकी सब्जी बनती है, सब्जी बनती है। तो ये क्या काम आता है? सब्जी बनाता है। ये देखिए भाई साहब इसमें क्या है, सब्जी बनती है। और मैं हूँ राजस्थानी और मेरे को बिल्कुल ही पता नहीं है इन मार्केटों के बारे में कैसे क्या बनते हैं। तो आप लोग राजस्थानी के साथ में इस मार्केट को विजिट कीजिए और मैं जितनी एक एक चीज़ को पूछने की कोशिश करता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, इतना मेरे को खुद को भी पता नहीं है। और इधर भाई साहब ये देखिए आप टमाटर मिल रहे हैं और करेला, क्या भाव दे रहे हो भैया करेला? 80 रुपये किलो। ये और टमाटर और वो वाला क्या है, वो काकड़ू, वो कैसे दे रहे हो? अच्छा ये देखिए भाई साहब ये भाव है, ये देवड़ा मार्केट है, देवड़ा बाज़ार। कौन से वार को लगता है? शनिवार को। आसपास के गांव के सारे लोग यहां पे आते हैं। अच्छा और आगे तर चलते हैं, सब्जी मंडी है, ये देखिए आप पूरा पूरा सब्जी बिक रहा है। और इधर ये बेच रहे हैं प्याज, माता जी क्या भाव दे रहे हो प्याज? अच्छा और ये क्या है, मछली? ये देखिए भाई साहब छोटी छोटी मछलियाँ हैं, देखिए आप इस प्रकार से ये बाज़ार में बेच रहे हैं।
ये देखिए अलग अलग जो जीव होता है ना, क्या बोलते हैं भैया इसको, चिगड़ी। ये सी देखिए यहाँ पे गिर गया था, एक वापस डालते हैं इनका यार ये। और आप ये क्या बेच रहे हो? जीरा भाजी। जीरा भाजी। अच्छा, ये इसकी सब्जी बनती है? ये चोर, ये अरुण फिर अच्छा लगता है। अच्छा, ये दोनों मिक्स करके बनाते हो? यही बोल रहे हैं ना। अच्छा, और इधर भाई साहब ये किराने का सामान मिल रहा है, जो है ना घरेलू सामान, जिसमें देख सोयाबीन दाल वगैरह ये भी मार्केट के अंदर आता है। ये देखिए इधर और ये मिल रहा है, ये क्या चीज़ है? जिगड़ी। ये एक प्लेट कितने का है? 50। अच्छा, छोटी वाली 20 की और ये बड़ी वाली 50 की। ये देखिए भाई साहब, ये है मतलब बड़ी वाली 50 की बता रहे हैं और ये है 20 की, इस प्रकार से। और ये क्या चीज़ें, इसे क्या बोलते हो? जड़ी भाजी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप आदिवासी क्षेत्र से या छत्तीसगढ़ या बस्तर से बिलोंग करते हो तो आपको पता है ये चीज़ें क्या हैं, हालांकि मुझे इतना पता नहीं है। और ये क्या है? भाजी। अच्छा, भाजी, ये बात है भाई साहब। चलो आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए भाई साहब यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये क्या चीज़ है? चापड़ा। चीटी। चीटी है ना, कितने का एक? 10 का। इसकी सब्जी बनती है? अच्छा, चटनी बनती है। ये देखिए भाई साहब ये चीटी है, जो एक कितने का है? 10 का है एक, आप देखिए इस प्रकार से। ये चापड़ा बोलते हैं इसे, लाल चीटी होती है। और ये क्या है? दांत साफ करने का। अच्छा, ये देखिए इधर और मिल रही है, आप देख सकते हैं, ये होते हैं भाई आदिवासी हाट बाज़ार का। और इधर भाई साहब देखिए ये मिल रही है लाल मिर्च, छोटी छोटी आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये लाल मिर्च क्या भाव दे रहे हो? 20 रुपये का ये इतना है। अच्छा, ये जो ये इतना है ना, ये 20 रुपये का देखा है। और ये आम क्या भाव है? 40 का किलो। अच्छा, ये देखिए भाई साहब इस प्रकार से हैं यहाँ के बाज़ार के भाव, आप देख सकते हैं। ये भाई साहब इधर की माता जी बेच रहे हैं, क्या है माता जी? ये हल्दी। ये देखिए भाई साहब ये हल्दी है, क्या भाव दे रहे हो? रेट क्या है मतलब? अच्छा, ये देखिए आप ये बर्तन है, छोटे वाले बर्तन का है 60 और बड़े वाले का है 100 रुपये, इस प्रकार से देखिए आप। यहाँ पे मिल रही है भाई साहब आदिवासी मार्केट की महन जो चीज है ये। ये देखिए आप, ये है सूखी मछली, मछली है ना ये, मतलब तल के लाते हैं। ये कितने का है अंकल जी? तल के नहीं लाते हैं, सूखा के लाते हैं। अच्छा, सूखा के लाते हैं। और ये क्या है? ये मछली। ये भी मछली है, इसका क्या होता है? इसका क्या मतलब, खाते हैं इसको? ये देखिए भाई साहब, इसमें देखिए आप, ये अभी भी मतलब जिंदा है और पानी के अंदर घूम रही है। और ये मछली है, इसको मतलब पकड़ के सूखा के फिर लाते हैं। इसकी मतलब स्माइल भी आ रही मेरे को यहाँ पे, एक मिनट उधर से और दिखाते हैं आपको। दुकान में रहता है तोड़ने वाला। और ये क्या है? वो भी सुखाने वाला। ये भी मछली है? ये भी है। ये भी मछली है? मछली है, वो भी सुखाता है। ये देखिए भाई साहब, ये भी मछली है, जो कटिंग करके इसको सुखा के फिर मार्केट में लाते हैं। और इधर ये देखिए, ये भी मछली है, आप देखिए ये अंकल जी बेच रहे हैं। ये किस हिसाब से दे रहे हो? 100 रुपया। अच्छा, चलो बड़े बड़े लेते हैं भागा मुंडा। अच्छा, 100 रुपये ये चीज़ इसको सूखा खिलाते हैं। सूखा खिलाते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। हाँ, इसीलिए तो 100 रुपये। आपने खरीदा है ये? हाँ, खरीद के लाते हैं बेचने के लिए। अच्छा, बेचने के लिए ये चीज़। आपने क्या क्या लिया सामान इसमें, क्या क्या लिया आपने? तो देखा ना। अच्छा, नहीं लिया। अच्छा, ये वाला सामान लिया ना। ये देखिए भाई साहब इस प्रकार से ये मिल रही है सब्जियाँ, देखिए आप आदिवासी महिलाएं बढ़िया बेच रही है। और इधर है ये लहसुन, आप देख सकते हैं लहसुन और अदरक। लहसुन क्या भाव दे रहे हैं माता जी? किलो। हाँ, किलो 120। अच्छा, ये देखिए भाई साहब इस प्रकार से लहसुन के भाव। गाइस आगे की तरफ देखते हैं मार्केट को। ओ भाई साहब ये देखो, यहाँ पर आप पूरी ये मांस मछली ऐसे ही मिल रही है। ये देखिए आप मछली बिल्कुल सूखी हुई। और ये देखिए अलग अलग तरह की मछली आप देखिए। राम राम जी।
क्या भाव दे रहे हो ये? 20। अच्छा ये भर के देते हो 100 में? अच्छा, और ये वाला? और वो सफ़ेद वाला? अच्छा ये भर के देते हैं। देखिए आप माता जी, 100 रुपये के अंदर आप देख सकते हैं इस प्रकार से दुकान है। और आगे वाली दुकान पे भी ये सेम आइटम मिल रहा है। आप देखिए मछली है सूखी हुई, और उधर भी वो मछली है जो बड़ी है, सबको इनको सूखा सूखा खिलाते हैं। ये देखिए भाई साहब ये, और इसमें से सुगंध आ रही है भाई साहब बहुत ज़्यादा, कहीं स्मेल जो मछली की आती है ना सूखी वाली। और ये क्या है? ये भी मछली है? अच्छा सूखा हुई, सब सूखी हुई है और ये झिंगड़ी। अच्छा क्या भाव दे रहे हैं वो? आपने खरीदा है क्या? नहीं, खरीदे लोग बहुत है यहाँ पर, खूब बिकता है ना। ये देखिए भाई साहब बाजार में लोग ऐसा है, और इधर आप देखोगे तो सेम उसी प्रकार देख देखिए आप, ये वाला ये और ये यहाँ पर पड़े हैं। और ये भाई साहब देखिए आप मार्केट, ये बस्तर में ही आपको देखने को मिलेगा जब आप आओगे ना छत्तीसगढ़ के अंदर और बस्तर इलाके के अंदर। देखिए इस प्रकार से ये प्याले, ये एक प्लेट कितने की है माता जी? 20 की प्लेट है आप देखिए। और इधर मिल रहे हैं ये बैंगन, किस हिसाब से दिए बैंगन? बैंगन कितने का एक? ये देखिए आप जो ये यहाँ पर ये डिग्री कर रखी है ना, ये करीबन 10-15 बैंगन होंगे इसके, मतलब 20 रुपये ले रहे हैं। भिंडी क्या भाव दे रहे हो अंकल जी? भिंडी? अच्छा मैं तो राजस्थान से आया यहाँ भिंडी देखने के लिए। हाँ फिर इतना महंगा दे रहे हो मेरे को? महंगा नहीं है, सस्ता है। सस्ता है क्या? अच्छा यहाँ पर सब ऐसा ऐसा मिलता है, देखो सूखा सूखा माल इधर ये मिलता है ज़्यादा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, राजस्थान में कुछ नहीं मिलता है, बाजरा मिलता है। हाँ बाजरा तो अभी भाव है उसके 2200-2300 रुपये। ये देखिए भाई साहब इधर मछलियाँ हैं, और ये माता जी मेरे को पूछ रहे हैं कि क्या राजस्थान में क्या मिलता है। इधर भी देखोगे शाम आपको यही चीज़ें मिलेगी। ये देखिए पूरे पूरे, मतलब अगर आप मतलब नॉनवेज चलता है तो ये आपको पसंद आएगा, नहीं तो आप लोग के लिए ये वीडियो नहीं है, कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये एक प्लेट कितने की है? 20 की। अच्छा ये देखिए भाई साहब, चलो आगे की तरफ चलते हैं और आगे का मार्केट आप लोगों को दिखाते हैं। गाइज मैं मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मार्केट देख रहा हूँ जिसके अंदर मतलब इतना ये जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं सुखी हुई मिलती है, अलग अलग तरह के जो जीव होते हैं ना, जो मतलब मेरे को खुद भी पता नहीं क्या क्या चीज़ होती है। देखिए आप खतरनाक तरीके से भाई साहब, इधर देखिए सब्जियाँ मिल रही हैं बढ़िया, और उधर टमाटर मिल रहे हैं। चलो आगे की तरफ चलते हैं और आपको आगे का दिखाऊं। टमाटर क्या भाव दे रहे हो अंकल जी? 40। चलो ये क्या है? हाथ से बनाया? आपने खुद ने बनाया? खुद बना हुआ है। कहाँ? कैसे? किससे बनाया? पानी में दूध डाल तो रहा है, बता रहे हैं सही। बोल तो रहा है किशोर के। क्या भाव दे रहे हो ये? मीठा होता है क्या? अच्छा अच्छा ये देखिए यहाँ पर और व्यंजन रखे हुए अलग अलग तरह के, पता नहीं क्या ये क्या है? घोड़िया? घोड़ी। अच्छा और इधर भाई साहब ये देखिए झाड़ू बना रखे, और ये हैंडमेड चीज़ें जो हाथों से बना रखे हैं आदिवासियों ने वो यहाँ पर मिल रही हैं। और अभी आपको दिखाते ये देखिए इस प्रकार इधर ये झाड़ू मिल रहे हैं। आप देखिए ये आप खुद बनाए थे? कितने का है भैया? 20 का। 20 के दो? एक 20 का है क्या? अच्छा और ये वाला ये कितने का है? 160। ये देखिए भाई साहब जो ये आइटम है ना, ये है 160 का स्क्वायर का से। ये देखिए आप बहुत सारी जो आदिवासी महिलाएं हो जो लेकर आई हैं, ये है जो धान वगैरह साफ करने के लिए, और ये है पंखा। ये कितने का है? कितने का? क्या बोल रहे हैं? अच्छा पूरा सेट साथ में मिलता है? अच्छा कितने का मिलेगा? अच्छा
चलो बढ़िया। क्या है ये महुआ, क्या भाव दे रहे हो? 40 रुपये किलो। क्या काम आता है ये? दारू बनाने के लिए। अच्छा, दारू बनाने के। ये देखिए भाई साहब, ये है महुआ जो इधर, ये देखिए और बेच रहे हैं और इधर ये और बेच रहे हैं इस हिसाब से। तो इनसे पूछते हैं क्या रेट है, क्या भाव दे रहे हो ये? 40 का किलो। अच्छा, ये देखिए भाई साहब, और उधर देखिए और सामने बिक रहा है। ये है मवा जिससे मतलब शराब बनती है और 40 रुपये किलो बिक रहा है। फिर ये कर ले जाके उस हिसाब से इसको बनाते हैं। जब मछली मार्केट है यहाँ पर, मिल रही है मछलियाँ इस प्रकार से कटिंग होके। वैसे अब यहाँ पे मिल रही है मछली, आप देख सकते हो, जो 200 रुपये केजी है। इस हिसाब से कटिंग करके देते हैं यहाँ पर। वैसे अब यहाँ पे मिल रहा है चिकन, क्या रेट दे रहे हो भैया ये? 260। देसी है क्या? अच्छा, और देसी का 500 रुपये। ये देखिए भाई साहब, यहाँ मिल रहा है मीट देसी और फार्मी। ये देखिए भाई साहब, महिलाएं लाइन लाइन बैठी हैं और इस प्रकार से नंदा सेल्फी और महुआ, और क्या होता है, सेल्फी महुआ ताड़ी। ये देखिए भाई साहब, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की वैरायटी की मतलब देसी दारू हुई है, इस प्रकार से बना के बेचते हैं। क्या है महुआ है, सेल्फी महुआ क्या दे रहे हो? कितने हिसाब से गिलास कितने का? मैं नहीं पीता हूँ। और इसमें क्या है ये? 12 नंबर। ये मछली 12 नंबर। क्या बोल रहे हैं? सुअर। ये भाई इसमें है सुअर का मीट, आप देख सकते हैं। सब यहाँ पर आभूषण भी मिलते हैं और यहाँ पे मिल रही है मूर्तियाँ। क्या रेट है इस एक मूर्ति का? हाँ, कितना बताया? 1050। देखिए भाई साहब, तो ये बड़े वाला बहुत महंगा होगा। 3000 का। ओहो, और इधर ये मिल रहे हैं हल वगैरह, आप देख सकिए चक्कू वगैरह। ये देखिए जिसमें सब्जी वगैरह काटने में काम आते हैं। सब्जी काटो। अच्छा, प्याज वगैरह काटने के लिए काम आता है। और ये कितने का है भैया? हाँ, अच्छा बच्चूला, लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काटने के लिए पलंग दीवान बनाना है। ये देखिए भाई साहब, ये सारा सामान मतलब A to Z सामान इस हाट बाजार के अंदर मिलता है ना, हर तरह का सामान। ये देखिए भाई, तो दोस्तों ये था आदिवासी हाट बाजार का वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आगे मैं आपको बस्तर के विदेश लाइफ और ऐसे बहुत सारे हाट बाजार अलग अलग तरह के, जहाँ पर मतलब अनोखी अनोखी और दिलचस्प चीज़ें होगी, वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलो, ओके बाय, टिल देन टेक केयर।